हे लवलीज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम लोग जो लुक करने वाले हैं वो ईद के लिए करने वाले हैं और ये लुक बहुत ही सॉफ्ट और ग्लैम होने वाला है जितने भी प्रोडक्ट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्लस बिगनर फ्रेंडली होंगे आप ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक और उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं मैं में मेंशन कर दूंगी और यहाँ पे जो मैं लुक करने वाली हूँ मेरी जो ड्रेस है वो वाइट कलर की है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लुक रखने वाली हूँ तो आई होप आपको अच्छा लगे अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्दर डू लेट्स तो सबसे पहले हम क्लिप्स की हेल्प से अपने बालों को पीछे टक कर लेंगे स्किन को मैंने पहले ही प्रेप कर रखा है मॉइस्चराइजर लगा रखा है और लिप्स पे लिप बाम लगा रखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िटमी का मैट एंड पोलेस प्राइमर लगा रही हूँ अच्छा प्राइमर है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है लेकिन मेरी ड्राई स्किन पे भी ये अच्छे से काम करता है तो सबसे पहले हम इससे अच्छे से स्किन को प्रेप कर लेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से फ्लॉलेस और स्मूथ दिखे नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेबलिन फिटमी का ही मैट एंड पोलेशस फाउंडेशन मेरा शेड है यहाँ पे वन वन फाइव आप अपने शेड का फाउंडेशन ले सकते हैं और अगर आपको अपने फाउंडेशन को ड्यूई और थोड़ा सा ग्लो ही दिखाना है अगर अपने फाउंडेशन को अपने फेस को तो आप इसमें मास्टर स्ट्रोप क्रीम यहाँ मैं मेबलिन की यूज़ कर रही हूँ उसको मैं मिक्स करके अपने फाउंडेशन में लगाऊंगी इससे फेस पे एक नेचुरल ग्लो रहता है जो काफ़ी प्यारा लगता है फाउंडेशन को पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है और नेक को नहीं भूलना है नेक पे भी फाउंडेशन लगाना है और ईयर्स पे भी फाउंडेशन लगाना है जिससे कि हमारा फाउंडेशन या बेस जो है वो इवन दिखे हमारा नेक और फेस अलग अलग ना दिखे तो ये ध्यान रखिएगा आप लगाते वक्त कभी कभी हम नेक पे लगाना भूल जाते हैं यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी आप इसे स्मूथली ब्लेंड करिए अच्छे से ब्लेंडिंग टेक्स टाइम तो आपको ब्लेंडिंग बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो केकी ना दिखे तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ नेक को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद फाउंडेशन के बाद हमें लेना है कंसीलर ताकि जो हमारे डार्क सर्किल हैं या जो पिगमेंटेड एरिया हैं हम उन्हें अच्छे से हाइड कर लें तो यहाँ पे मैं स्विस बीटी का ज़ीरो थ्री शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं अपने आइस के अराउंड अपने नोज़ पे और अपने कॉर्नर ऑफ द तो माउथ पे लगाऊंगी थोड़ा सा फोरहेड और चिन पे भी आप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो फेस है उसके हाई पॉइंट्स पे अच्छे से हाईलाइट हो यहाँ मैं अच्छे से कंसीलर को भी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर लगाने के बाद कंसीलर को सेट करना बहुत इम्पॉटेंट है तो मैं यहाँ पे मेबलिन का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है और आप इससे बेक कर सकते हैं अपने कंसीलर को जहाँ जहाँ आपने लगाया है तो यहाँ मैं वही अपने आईज के पास अपने कॉर्नर ऑफ द माउथ थोड़ा सा नोज़ पे मैं लगा रही हूँ ताकि सेट हो जाए हमारा कंसीलर इसके बाद मैं कॉन्टूर के लिए इन साइड का ड्यो स्टिक यूज़ कर रही हूँ ये टू इन वन प्रोडक्ट है इसमें कंटूर भी है और हाइलाइटर भी है मेरा शेड यहाँ पे ज़ीरो वन कैरमल है जो बहुत ही अच्छा है इसका टू तो शेड मेरे पे तो सूट करता है और क्रीमी है अच्छा है आप इसे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स चीप भी हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है तो यहाँ पे मैंने कॉन्टूर अपने फेस के फोरहेड पे नोज़ पे और जॉ लाइन पे किया है कॉन्टूर से आपका फेस थोड़ा सा चिजल्ड और थोड़ा सा शेप अच्छा दिखता है यहाँ मैं ने ब्लश लिया हुआ है ये ब्लश पैलेट का मुझे अभी याद नहीं है किस शेड नंबर या किस कंपनी का है लेकिन इसमें काफ़ी शेड्स हैं तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ब्लश लिया हुआ है तो उसे हम अपने चीक बोन्स पे थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा फोरहेड और चिन पे लगा लेंगे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अगर आप नोज़ और फोरहेड को अवॉइड करना चाहते हैं फिर यहाँ पे आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही आईब्रो पेंसिल लिया हुआ है ये ग्रे शेड में है काफ़ी अच्छा है काफ़ी नेचुरल लुक आता है इससे तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं उन्हें स्पूली की हेल्प से कोम कर लूँगी कॉम करने के बाद आ, हम अपने आईलिड एरिया पे कंसीलर लगाएंगे और अच्छे से ताकि हमारा आई शेडो अच्छे से सेट हो जाए तो सबसे पहले इसको कंसीलर लगाने के बाद हम कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लेंगे और थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ के पास भी आ, कंसीलर लगाएंगे ताकि नीट लुक थोड़ा सा आता है उससे इसको भी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्मूथ दिखे स्किन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके ब्लेंडर पे उससे सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद अब हमें आई शेडो लगाना है यहाँ पे मैं मार्स का बहुत ही ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ आप इसके कलर्स देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल पैलेट है ये यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ जिसको हम अपने क्रीज एरिया पे अच्छे से लगा लेंगे और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे आप जो भी बेस शेड लगाएँ वो हमेशा न्यूट शेड से ही स्टार्ट करें पहले क्रीज़ एरिया डिफाइन कर लें उसके बाद ही आगे का आई शेडो प्लान करें तो यहाँ पे मैंने क्लीज एरिया पे लगाने के बाद अपने पूरे आई पे लगा लिया है और फिर जो मेरा ट्रांजिशन शेड है पिंक शेड मैंने यहाँ पे लिया है उसे मैं अपने आउ, आउटर एरिया में लगा रही हूँ ठीक है और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ इसके बाद जो शेड मुझे ले मैं ले रही हूँ वो है गोल्डन शेड ये थोड़ा सा शिमरी शेड है तो मैं इसे अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही सेंटर में लगाऊंगी अपने आईलिट के सेंटर पे लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है ये आप कोई भी शिमरी शेड या सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं मुझे गोल्डन ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे गोल्डन शिमरी शेड को अपने आईलिफ्ट के सेंटर पर लगा रही हूँ और फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको पिगमेंटेशन कम लग रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं उसको और पिगमेंटेड लगा सकते हैं फिर जो भी आई शेडो आपने लगाया है उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए हम अपने आ, आउटर ए, आई एरिया पे आ, कंसीलर लगा के उसको क्लीन कर लेंगे फिर कंसीलर को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट लगा के तो इसके बाद हमारा बचता है आई लैश कर्लर से हम अपने मस्कारा लगाने से पहले आई को कर्ल कर लेंगे मैं यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ तो आप मैं यहाँ कोई फेक आई यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मस्कारा लगा लेते हैं अपनी आईज़ पे और देखिए यहाँ पे मैंने गलती से अपने नोज़ पे भी लगा लिया है थोड़ा तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर कर देती हूँ कि अगर गलती से कभी ऐसा लग जाता है मस्कारा तो आप उसे तुरंत मत हटाइए उसको ड्राई होने दीजिए तो यहाँ पे जब तक मैं अपने दूसरी आईस पे मेकअप करती हूँ तब तक ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है फिर मैं इसे एक स्पूली की हेल्प से आ, आराम से रिमूव करती हूँ तो आराम से ये ड्राई होने के बाद निकल जाता है अभी देखिएगा बिल्कुल एक ही स्ट्रोक में निकल गया ये तो आपके साथ व्यवहार अभी ऐसा होता है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर ले रही हूँ ब्राउन शेड में और इसको इसे लिप लाइन कर लेती हूँ काफ़ी अच्छा ब्राउन न्यूडी शेड है फिर इसके बाद में मैं मार्स का लिप पैलेट ले रही हूँ यहाँ पे मैं न्यन रेड कलर ले रही हूँ और अभी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं इसको अभी थोड़ा सा लाइट करूँगी तो मैं यहाँ पे वाइट ले रही हूँ वाइट शेड और इसको अपने लिप एरिया के सेंटर पे लगाऊँगी और मिक्स कर लूँगी इसके बाद जो कलर शेड निकल के आया वो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ब्रश की हेल्प से मैं लिप लाइनर को अच्छे से और अच्छे से ब्रश की हेल्प से आप अपने लिपस्टिक को लाइन कर सकते हैं फिर मैं यहाँ पे मस्कारा लगाना भूल गई थी तो वही मैं दोबारा लगा रही हूँ इसके बाद हमारा मेकअप कंप्लीट है ऑलमोस्ट हम हाइलाइटर लगाएंगे इसके बाद हाइलाइटर लगाना मेरा बेस्ट पार्ट है मेकअप का बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाता है हाइलाइटर लगाने के बाद तो मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ चीक बोन्स पे नोज पे फोर हेड पे चिन एरिया पे तो आप हाईलाइट ज़रूर किया करिए फेस को और इसके बाद आप थोड़ा सा आईब्रोज़ के नीचे भी हाईलाइट ज़रूर करिए उससे आँखें आपकी बहुत ही अच्छे से पॉपअप होके दिखती हैं ये यहाँ पे छोटा सा मेरा सेकेंड टिप है कि आप यहाँ पे अपने इनर आइस एरिया को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करिए ब्रश की हेल्प से या किसी और स्टिक की हेल्प से बहुत ही ओपन लगती हैं आइसेस फिर उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर की हेल्प से सेट कर लिया है अपना मेकअप और देख सकते हैं आप बिल्कुल ग्लोई और बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो बस अब हम अपनी ड्रेस पहन लेते हैं ज्वेलरी पहन लेते हैं तो मैं यहाँ पे गोल्डन कलर की अपनी ड्रेस से मैचिंग झुमके पहन रही हूँ वाइट कलर की मेरी ड्रेस है सूट है ये बेसिकली और थोड़ा सा इसमें पाकिस्तानी लुक है तो बहुत ही प्रटी सूट है एक्चुअली और पहनने के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है और अगर मेरा ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा चैनल को मैंने अभी स्टार्ट किया है और आई नीड योर सपोर्ट गाइस तो ये रहा मेरा फाइनल लुक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ लेकिन मुझे हल्का सा कुछ सोना सोना लग रहा था तो मैंने बिंदी और हल्का सा गले में एक नेक पीस पहन लिया है तो बस ये है कंप्लीट लुक आई होप आपको अच्छा लगा हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग